अब तक आपने देखा कैसे तथाचार्य रामा को बंदी गृह ले जाते समय डराते हैं। प्रतिक्षोभ दो प्रकार का होता है, एक जिसमें शत्रु को आजीवन तड़पा तड़पा कर प्रतिक्षोभ दिया जाता। रामा फिर भी हंसता हुआ तथाचार्य को बोलता है कि वो एक घंटे में बंदी गृह से भाग निकलेगा। ये जानने के बाद कि रामा को राज दरबार में बंदी बना लिया गया है, सिद्धप्पा लक्ष्मी अम्मा और गुंडप्पा को घर से बाहर निकाल देते हैं। बंदी गृह में रामा चतुराई से कोतवाल को मूर्ख बनाकर हवन का सामान और कंबल मंगवा लेता है और हवन करने के बहाने बंदी गृह में आग लगा देता है। उधर चिन्ना देवी महाराज श्री कृष्ण देव राय को समझाती हैं कि रामा को अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलना चाहिए। एक सिपाही वहां आता है और महाराज को बताता है कि बंदी गृह में आग लग गई है। अब आगे कोतवाल जी, आग लग गई। कहाँ? उसी चोर की कोठरी में जिसे तथाचार्य जी ने पकड़वाया था। अरे ये पंडित कहाँ है? कोतवाल? हाँ आचार्य, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। कोठरी का ताला खोलो, ताला खोलो, अभी खोलो, शीघ्र करो। इतना धुआं कहाँ से है ये? सावधान, ये उस पंडित की चाल है। ये वो यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा है। भागना नहीं चाहिए, पकड़ो उसे, ढूंढो। किधर गया? दरवाजे के अंदर बंद करके चला गया। गुरुजी, अरे मूर्ख रुको। हम गुरुजी, हम गुरुजी, गुरुजी, हम गुरुजी, आप अंदर क्या कर रहे हैं? पूरियां तल रहे हैं। अरे वाह, पूरियां, दो चार पूरियां हमारे लिए भी तल लेना गुरुजी। अरे मूर्ख, दरवाजा खोलो। वो धूर्त पंडित हम तीनों को अंदर बंद करके भाग गया। गुरुजी हाँ, गुरुजी दरवाजा खोलने के लिए चाबी तो मिले। हाँ गुरुजी, याद आया, अभी अभी सूचना आई है कि महाराज जी ने आपको बुलावा भेजा है। अभी का अभी। पहली बार इंसान पहचानने में भूल हुई हमसे तुम्हारा सूची। हम तो उसे दंड देकर दुविधा में पड़ गए थे कि हमने जो किया वो उचित किया या अनुचित। हर कोई उसे अपराधी मान रहा था, बस हमारा मन उसे दोषी मानने को तैयार ही नहीं था। हम तो उसे और एक अवसर देना चाहते थे ताकि वो अपनी निर्दोषता प्रमाणित कर सके, किंतु कारागृह से भागकर उसने स्वयं में प्रमाणित कर दिया कि वो एक अपराधी ही है। अपना अपना दृष्टिकोण है महाराज। क्या कहना चाह रहे हैं महाराज? प्रतिभा का होना और प्रतिभा का सही जगह होना दोनों अलग बातें हैं। मूल्य अवसर का नहीं बल्कि उसके फायदे उठाने वाले का होता है, और ये हम नहीं शास्त्र कहते हैं। हम समझ रहे हैं आप क्या कहने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु हमारी काल कोठरी से भागने का दुस्साहस किया है उसने, से दंड तो मिलकर। ये कौन चला रहा है दरबार में? महाराज, 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 आपने पहचाना नहीं? हम आपके प्रिय तथाचार्य महाराज, और मैं आपका नगर कोतवाल महाराज। ये देखिए, देखिए महाराज कैसी दुर्गति करके गया है वो पापी हमारी। ये हमारे अपमान की अति हो गई महाराज। दुस्साहस देखिए,
राज दरबार के राज पुरोहित का मुकाला कर गया। कोयले को काला टीका लगाया। सही कहा धनी, एकदम कोयला लगा। हिम्मत देखिए महाराज उसकी, हिम्मत देखिए। आपके बंदीगृह से भाग गया, आपके महाराज कृष्णदेव राय के राज्य के बंदीगृह से भाग गया। उसे कोई भय नहीं रहा महाराज कृष्णदेव राय के क्रोध का। हमें तो पहले से लग रहा था महाराज, इस धूर्त शातिर अपराधी को आजीवन कारावास देना काफी नहीं था, इसे तो मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। क्षमा कीजिएगा राजपुरोहित जी, परंतु आप कारागृह में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हाँ, आप इसे पूछ रहे हैं, बताइए गुरुजी, बताइए क्या कर रहे थे। हाँ हाँ महाराज, हम उसे मोक्ष का मार्ग बताने गए थे, सही रास्ता बताने गए थे, उसे उसे समझाने गए थे कि यदि वो सुधरने का वचन दे तो हम महाराज से बात करके उसे क्षमा दान दिलवा सकते, परंतु प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति होती है ना महाराज, कुत्ते की दुम को जितना भी सीधा करने का प्रयत्न करो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रही, वो कहां बदलने वाली। भाग गया, अवसरवादी था, अवसर देख के भाग गया। महाराज विजयनगर के सभी साधु संतों की दयालुता पर तमाचा मार के गया है वो। महाराज कृष्णदेव राया की असीम विजय शक्ति को फेंगा दिखा के गया। मंत्री जी, महाराज नगर का चप्पा चप्पा छान मारिए, कोना कोना उधेड़ दीजिए, धरती चीरे या आसमान, किंतु हमें वो अपराधी रामकृष्ण हमारे सामने चाहिए। जी महाराज। जो स्वयं अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करने इतनी दूर आया है महाराज, उसे कहीं और ढूंढने की क्या आवश्यकता है। ये तो अटक गई थी बुढ़ने की। सही कहा था नहीं, एकदम अटक गई। ये तो पराकाष्ठा हो गई इसके दुस्साहस की महाराज। देखिए इस महानिर्लज्ज महापापी महाचोर का साहस, इतना बड़ा अपराध करने के बाद यहाँ खड़ा है आपके सामने महाराज कृष्णदेव राय के सामने। तत्काल इसे बंदी बनाया जाए महाराज, और बिना एक क्षण गवाए इसे मृत्यु दंड दिया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। मैं तो स्वयं महाराज के चरणों में अपने प्राण का अर्पण करने आया हूँ महाराज, परंतु जिस राज्य में न्याय और अन्याय का भेद करने वाला कोई नहीं, दोष और दोषी में अंतर करने वाला कोई नहीं, सत्य का आर्तनाद और निर्दोष की आवाज सुनने वाला कोई नहीं, उस राज्य में कोई कितने समय तक जीवित रह सकता है महाराज। तेरी इतनी हिम्मत? सिपाहियों आगे बढ़ो, प्राण ले लो इसके अभी इसी समय। शांत हो जाइए मुनिवर। तुम्हें लगता है यहाँ न्याय नहीं मिलता? विजयनगर में निर्दोष की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। न्याय अन्याय के बीच में फर्क नहीं होता है यहाँ पर। हमारे राज्य क्षमा करें महाराज, है तो कड़वा परंतु सत्य तो यही है। यदि ऐसा ना होता तो मुझे मेरी सफाई में एक शब्द कहे बिना यूं आजीवन कारावास का दंड ना सुनाई दिया गया होता। बिना सत्य जाने मुझे यूं। सत्य क्या है तुम्हारा? क्या सत्य है तुम्हारा? सत्य ये है महाराज कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, और ना ही मेरा नाम मल्लू देवा है। मैं तो तेनाली गांव से आया आपकी प्रजा में से ही एक ऐसा नागरिक हूँ जो अपने अन्नदाता महाराज की सिर्फ एक झलक पाने के लिए इतनी दूर चला है, लेकिन उसे तो आपके सामने यूं अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया गया है महाराज। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम निर्दोष हो? जी महाराज, मैं निर्दोष हूं और मैंने कोई अपराध नहीं किया है। तो ठीक है, 3 दिन का समय देते हैं हम तुम्हें, 3 दिन के भीतर
असली अपराधी को पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो और ये प्रमाणित करो कि तुम निर्दोष हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आज से चौथे दिन पांव फटते ही इस महल के सामने सरेआम तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। चौथे बस माफ। तीन दिन के भीतर भीतर असली अपराधी को पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो और ये प्रमाणित करो कि तुम निर्दोष हो। ए पंडित, तेरे कद काठ का नाप क्या है? मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। तेरे कद काठ का नाप क्या है पंडित? दूसरे गांव से है, अतिथि है हमारा, तो हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं? तीन दिन बाद फांसी पर लटक जाएगा तू, तड़प तड़प कर मरेगा, तेरा क्रियाक्रम कौन करेगा? हमें तो करना होगा, इसीलिए पहले से तेरे कट काट का नाप ले रहे हैं, तेरी अर्थी कफन के प्रबंध के। आशावादी होना अच्छा है आचार्य, प्रबल आशावादी होना भी कोई बुरा नहीं, परंतु आशा और कल्पना के बीच का अंतर भूल जाना ये पागलपन है। जी सलाह मानिए, किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या उखाड़ लेगा तू? यूं यूं बीत जाएंगे तीन दिन। यदि संकल्प सही और दृढ़ हो आचार्य, तो एक क्षण भी बहुत होता है, फिर ये तो तीन दिन है। प्रतीक्षा कीजिए, अभी और भी झटके खाने बाकी हैं आपको। वो क्या है ना, बड़ा ही जिद्दी है ये पंडित रामकृष्ण, एक बार चिपक गया तो इतनी आसानी से पीछा थोड़ी ना छोड़ेगा। अब तो आपके प्राण छूटे तो छूटे, इस पंडित रामकृष्ण से आपका पीछा नहीं छूटने वाला आचार्य। आज्ञा दीजिए। तीन बुटी अपनी नहीं तो कम से कम धनी मनी की इज्जत का तो ख्याल रखूंगा। अरे करवा ही दिया ना हर बार की तरह इज्जत की मिट्टी पली। किसका? मिट्टी मिट्टी में मिला देंगे इस दोस्त को गुरुजी, तीन दिन में देख लेना है आप, फांसी पर चढ़ के रहेंगे गए सांप। परेशान क्यों है? कुछ नहीं मित्र, जोश जोश में तथाचार्य को चुनौती तो दे आया, परंतु अब सोच रहा हूँ कि इतने कम समय में ये होगा कैसे, केवल तीन दिनों में मैं मल्लू देवा को कैसे पकड़ूंगा? उसका जब जो होना होगा होगा रामा, अभी इनका क्या करना है? किनका? इनका, वो जो सामने दुखी और परेशान बैठे हैं, तेरा परिवार रामा। मुझे माफ कर देना भगवान, आज मेरे कारण शारदा और अम्मा भूखे यहाँ धर्मशाला में बैठे हैं।
एक दिन इस दुष्ट बुड्ढे की छाती पर तांडव ने किया तो मेरा नाम भी धनी नहीं। तीर मन के गुजरूंगा इस बुड्ढे के शरीर में एक दिन और ऐसी ऐसी जगह चुभूंगा कि बुड्ढा किसी को बताने लायक नहीं रहेगा कि कहां कहां चुभ रहा है और कहां कहां दर्द उठ रहा है। अम्मा आ गया हूँ अब तो बंद करो रोना दोनों चुप हो जाओ दोनों उठा लो भाई शारदा तुम्हारा ये उठा लो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे सच्ची अम्मा से कह रहे रस्सी उठा लो उठाकर बांध कर रख लो इन्हें अपने पास इनके पैरों में ना चक्कर लगे एक जगह पर टिकते ही नहीं वैसे आप बंदीगृह से बाहर कैसे निकले महाराज ने मुझे स्वतंत्र कराया महाराज ने स्वतंत्र कराया है झूठे बैठना देखा अम्मा एक तो इतने समय बाद आए ऊपर से हमें चुप बैठने के लिए कह रहे हैं तुम्हें नहीं कह रहा फिर किसे कह रहे हैं किसे कह रहा हूँ किसे किसे अरे छोड़ो मैं क्या कह रहा था कि महाराज ने ना केवल मुझे स्वतंत्र कराया बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी सर फिर झूठ बोलता क्यों नहीं तीन दिन का जीवन दान मिला है अपना मुंह बंद रख अम्मा अरे तुमसे नहीं कह रहे आपते भी नहीं कह रहा ओह रुको अब ठीक है हाँ तो मैं क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी है मुझे क्या हैरान हो रहे कह रहे अभी तो महाराज ने तुम्हें कार्यक्रम में डाला था फिर इतनी जल्दी एक ही दिन में ना ही केवल स्वतंत्र कर दिया बल्कि इतना महत्वपूर्ण कार्य भी सौंप दिया विश्वास नहीं हो रहा वही तो विश्वास होता कहाँ है इन्हें मुझ पर नहीं हमें विश्वास नहीं हो रहा ये चमत्कार हुआ कैसे कोई चमत्कार चमत्कार नहीं है मतलब तुम क्या लो बात आलते महाराज ने थे तीन दिन की मोहलत दी है खुद को निर्दोष सलामत चलने और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसे फांसी चल जाएगी मतलब तुम क्या लो बात आलते महाराज ने थे तीन दिन की मोहलत दी है खुद को निर्दोष सलामत चलने और यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसे फांसी चल जाएगी अरे लुको लुको अभी और भी है पहले ये तुन लो फिलहाल आराम से एक साथ लो ना पता है मालत ने इतने धन क्यों दिया था बंदी के लते भाग दिया था ये निर्लज और मालत के सामने नित्य प्रदर्शन करने लगा ये क्या करने लगा नित्य प्रदर्शन क्या हो गया क्यों भड़क रही हैं हम कह रही हैं पागल हो गए हो क्या एक तो वैसे ही कार कोठरी से भाग निकले और ऊपर से महाराज के सामने जाके नाचने लग गए महाराज तो भड़केंगे ही ना अरे पर कौन नाच रहा था महाराज के सामने गुंडप्पा क्या कह रहा है आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण नित्य प्रदर्शन नहीं गुंडप्पे आत्मसमर्पण कह रहा है शारदा देखा उठा लो अम्मा नहीं लाठी उठा लो उठा के पूछो इससे क्या आवश्यकता थी ये सब करने की काल कोठरी में रहते तो कम से कम जीवित तो रहते वहाँ से भागकर अपनी मृत्यु को न्योता देने की क्या आवश्यकता थी अरे तो और क्या करता जीवन भर सड़ता रहता उस काल कोठरी में कुछ नहीं करने से तो बेहतर है मनुष्य कुछ करे तो किया दंड तो मिला परंतु साथ में एक अवसर भी तो मिला खुद को निर्दोष प्रमाणित करने का तो कहो इनसे भरोसा रखे मुझ पर कुछ नहीं होगा मुझे मैं सब ठीक कर दूंगा तुम ही क्यों नहीं कह रहे थे मौन व्रत रखा है बैरी नहीं हुई ये भी सही है माँ अच्छा चलो छोड़ो ये सब और चल के कुछ खा लो कितने दिन हो गए हमने साथ बैठकर भोजन नहीं किया हाँ आओ आओ आओ, आओ। मन
मान गए गुरुजी, मान गए। पहले तो केवल आजीवन कारावास मिला था उस दुष्ट पंडित को, मगर अब सीधा मृत्यु दंड। मान गए गुरुजी, मान गए। परंतु गुरुजी आपको ही मानना पड़ेगा, वो पंडित है तो एक नंबर का चंट। जब भी आपको मिलता है, जहां भी आपको मिलता है, आपका गुड़ गोबर कड़ी जाता है। अरे कहां का चंट और कैसा चंट, चंटों के चंट तो यहां बैठे हैं हमारे सामने। समझ चंटों के चेहरे पे चांटा है ये, और शत्रु के शिकारी का सबसे बड़ा कांटा है ये, और हमें करते हैं प्रेम, इसलिए जो कुछ मिलता है मिलके देते हैं भेंट। तो क्या हुआ, इन्हें कीचड़ में गिराया, पूरे नगर में अपने पीछे पीछे घुमाया, मुंह कर दिया काला, महाराज के सामने ढो डाला, बंद करके कोठरी में लगा डाला ताला। रामा, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं शारदा, परंतु एक सीख तो मिली है कि एक राजा का अहंकार उसके न्याय से कहीं अधिक होता है, फिर चाहे वो राजा कितना भी न्यायप्रिय और दयालु क्यों ना हो। सब तो ठीक है, पर 3 दिन में हम चोर को पकड़ेंगे कैसे, वो भी इतने बड़े नगर में? शारदा, कोई भी निपुण नहीं होता, हम सब में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई त्रुटियां अवश्य होती, चोर में भी होगी। उसने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सूत्र, कोई ना कोई संकेत अवश्य छोड़ा होगा जिससे मैं उस तक पहुंच सकूं। बस अब मुझे वो सूत्र, वो संकेत ढूंढने, एक बार वो मेरे हाथ लग जाए फिर वो चोर कहां बचेगा इस रामा के हाथों। उठा लो। क्या उठा लो? ये जल उठा लो और उठा के कसम खाओ कि अब चाहे जो हो जाए उस चोर को पकड़ कर ही रहेंगे, और उसके बाद सदैव के लिए हमारे साथ रहेंगे, कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं वचन देता, सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।